जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की ओर से बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट्स को। जैसे कि हमने आपको पहले भी अपडेट दिया था कि आपका 9 और 10 तारीख से पहले पहले है, 8 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपका जो एग्जाम डेट और एग्जाम सीटी है वो रिलीज हो जाएगा। आप अपना ID लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, तो वो आज अपडेट आ ही चुका है फाइनली। एग्जाम डेट और एग्जाम सीटी है उसको चेक कर सकते हैं लॉगिन करके, और इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यदि कोई डाउट तो आप हमारी टीम से जो हेल्प ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया है। तो सबसे पहले वेबसाइट पे आना है, और वेबसाइट पे आने के बाद में कैंडिडेट्स लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, जो अभी आपको जिस पे टिक किया गया है। क्लिक करने के बाद में जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो गाइज, आप जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे लॉगिन करने के लिए आपके पास नया पेज ओपन हो चुका है, नया इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। इंडियन एयरफोर्स 02/2023 इनटेक का जो है आपका एग्जाम डेट एग्जाम सिटी रिलीज हो चुका है। हालांकि पहले आपको अपडेट था कि 20 मई से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 3 से 4 या 5 दिन तक आपका एग्जाम चलेगा। तो यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी, अब यहां पर काफी कैंडिडेट्स के प्रॉब्लम भी आ रही है क्योंकि लगभग आपका एग्जाम डेट सीटी रिलीज हुए हुए लगभग जो अभी जो आप वीडियो देख पा रहे हैं तो लगभग 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। तो यहां पर जो आपको आईडी, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम आपके पास ईमेल आईडी होता है, और पासवर्ड ईमेल के यहां पर इनपुट नहीं करने हैं। यहां पर एक नया जो पासवर्ड बनाया जाता है अपने अकाउंट के लिए, तो वो पासवर्ड आपको यहां पर इनपुट करना है। उसके बाद में कैप्चे को फिलअप करना है यहाँ पर। उसके बाद में आपको है यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का, और यदि आपके पास आईडी या पासवर्ड आप भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा या मोबाइल नंबर पर, तो वहां से आप इसको फॉरगेट भी कर सकते हैं और एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने जो है आईडी पासवर्ड है वो लॉगिन कर देता हूँ ताकि आपका जो है यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखाई दे सके। तो गाइज, ईमेल आईडी इनपुट कर दी गई है, पासवर्ड इनपुट कर दिए गए हैं, कैप्चे को सही से फिलअप कर दिया गया है, और यदि आपको दिखाई ना दे तो यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। और कैप्चे को मिलान करने के बाद में अच्छे तरीके से यहाँ लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। निवीर वायु है ये, और इनटेक 02/2023 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से कैंडिडेट्स का इमेज है यहाँ पर, और स्ट्रीम के लिए अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जो भी आपने यदि बोथ के लिए अप्लाई किया या फिर आपने ए ग्रुप के लिए अप्लाई किया है एक्स या वाई, तो आपका यहाँ पर जो साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम डेट एंड एग्जाम जो आपका सीटी है वो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, और यहाँ पर एग्जाम डेट है कैंडिडेट्स का 22 मई 2023। आप देख सकते हैं एग्जाम सीटी है वो जयपुर रहेगी, और यहां पर जो एग्जाम स्टेट है राजस्थान है, 22 मई मैंने आपको बता दिया है। और जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे कैंडिडेट्स वो कर पाएंगे एग्जाम से 3 दिन पहले। तो मैंने जैसे भी आपको बताया था, जिस भी किसी कैंडिडेट्स का 20 मई को एग्जाम है तो वो कैंडिडेट्स 17 मई को जो अपना है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएगा, डाउनलोड ई एडमिट कार्ड, तो वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये ऑफिशियल अपडेट था और सभी कैंडिडेट्स के लिए अपडेट है, काफी समय से आपको इंतजार था तो वो समय आ चुका है। और आप अपना एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी जरूर चेक कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो आस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नए अपडेट के साथ। अब तक के लिए बने रहिए डिफेंस चैंपियन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे।